हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली द कश्मीर फाइल्स फिल्म को, जिस बारे में आपने कमेंट कर मुझे ये याद दिला कर रखा है कि मुझे इस फिल्म का रिव्यू करना है। और कुछ लोगों ने ऐसा क्यों किया है, उसका रीजन तो मेरा नाम ही है, जिस वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है मेरा ओपिनियन जानने के लिए कि मुझे ये फिल्म पर्सनली कितनी ज्यादा पसंद आई है। और वैसे में रिव्यू हो रहा है तो कई सारे क्रिटिक्स या फिर खेलो यूट्यूबर्स की तरफ से जिस तरीके के रिव्यू इस फिल्म के दिए जा रहे हैं, उसमें वो सभी इस फिल्म को बुरा बोलने से बच रहे हैं, वरना उनका सामना हेट से होगा, जो कि वो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसलिए सभी कोई इस फिल्म से बहुत ही बचकर बात कर रहा है। ऐसे में बात रही ऑनेस्ट रिव्यू की तो डेफिनेटली आपको कोई भी नहीं देगा, क्योंकि सभी की राय आपको इस फिल्म को लेकर मस्ट वॉच की ही रहेगी, जो कि नो डाउट ये फिल्म है। लेकिन जब फिल्म बनाई जाती है तो वो किसी मकसद के साथ साथ अच्छे खासे पैसे कमाने के लिए भी बनाई जाती है, और इस केस में इस फिल्म को भी उसी मोटिव के साथ साथ बनाया गया है, लेकिन अपने एक नैरेटिव के साथ, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से रखना चाहते हैं उसका पता तो आपको फिल्म देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है। और अगर नहीं है तो वो डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आते हैं फिल्म की कहानी पर, जिसकी कहानी का फोकस कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक पास्ट जिस बारे में कृष्णा को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि वो बाकी यूथ की तरह बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि उसे लेफ्टिस्ट बनना है या फिर राइटिस्ट। जी हाँ, ये फिल्म क्लियरली हमें ये मैसेज बहुत ही अच्छी तरीके से दे देती है, जिसके बाद कृष्णा अपने दादाजी की अस्थियां लेकर उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। और इस जर्नी में उसकी मुलाकात उसके ग्रैंडफादर के पुराने दोस्तों से भी होती है, जिनके पास यानी कि उनके सीने में कश्मीर के राज दफन है, जिस बारे में वो लोग कृष्णा को बताते भी है या नहीं, और बाद में कृष्णा अपना स्टैंड किस साइड को चुनकर करेगा, यही सारी की सारी डिटेल ये फिल्म हमें प्रोवाइड करती है, जिसके लिए आपको लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास देने होते हैं। बाकी फिल्म एडल्ट है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसकी ब्रूटेलिटी के हिसाब से, जिसमें मेरी सजेशन तो अभी ही आपको इस फिल्म को मस्ट वॉच देखने की रहेगी, खास करके तब जिसमें आपको नॉलेज कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था उसे लेकर नहीं है तो। बाकी अगर आपकी रिसर्च बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है और आपको सब कुछ पता है तो मुझे लगता है कि आपको आपका टाइम इस फिल्म पर वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ, मैं क्लियरली कोट करूंगा कि अगर आपके पास नॉलेज कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड का है, वो भी ऑनेस्टी के साथ, तो फिर ये फिल्म आपको कुछ भी नया प्रोवाइड नहीं कर रही, बल्कि उस मामले में आपको ये फिल्म बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि 90s के सारे मोमेंट्स जो हमें फिल्म में दिखाए गए हैं उन पर फोकस टुकड़ों में किया गया है, ताकि उससे आप ट्रिगर हो, जिसमें ऑब्वियसली डिटेलिंग की बहुत ही ज्यादा कमी है, जिससे मेरी उम्मीद बहुत ही ज्यादा बंधी हुई थी कि ऑनेस्टी के नाम पर हमें इस फिल्म में वो सारी की सारी शुरुआत की पूरी डिटेल देखने मिलेगी। ऊपर से फिल्म की लेंथ भी अच्छी थी, जिसमें अब वेस्ट क्या हुआ है क्या नहीं, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, जिससे अब पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो फिल्म की कहानी को कोट इसके ट्रेलर के साथ इस टाइटल को कंफर्म करके बताती है कि इस फिल्म की कहानी ब्रूटली ऑनेस्ट है, जो फिल्म के साथ कितना ज्यादा जस्टिस करता है उसके बारे में तो मैं वीडियो में बात करूंगा ही। लेकिन इससे पहले जो बेमतलब की बात आप सुनना चाहते हो, यानी कि मेरा पॉलिटिकल व्यू, तो उस पर मैं अब भी खुलकर यही बात कहूंगा कि मैं लेफ्टीज और राइटीज में बिल्कुल भी ना बिलीव करते हुए हमेशा न्यूट्रल ही चलता हूं। और इससे हो सकता है कि मेरी ये बात राइटीज लोगों को बुरी लगे, और हाँ, लेफ्टीज को भी, लेकिन ज्यादातर तो मिर्ची फिलहाल तो राइटीज लोगों को ही लगेगी, क्योंकि उनकी नजर में ये फिल्म एक मास्टरपीस है, जिस पर अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो फिल्म के हिसाब से जी नहीं, ये मास्टरपीस नहीं है, क्योंकि फिल्म की जो प्रेजेंटेशन है उसी में ये फिल्म कहीं ना कहीं मार खाती है, जिन सभी के बारे में मुझे इस वीडियो में बात करना है। लेकिन उससे पहले मैं अपने ओपिनियन पर आऊँ, यानी कि कश्मीरी पंडितों पर, तो उन्हें कश्मीरी हिंदू नहीं बल्कि कश्मीरी पंडित ही बोला जाता था, क्योंकि कश्मीर की उस कम्युनिटी के लोग ज्यादातर तो ब्राह्मण ही थे, और उनके एंसेस्टर्स पंडित के नाम से ही आपको पता चल जाता है कि किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, यानी कि उनमें एकता हिसाब से बहुत ही ज्यादा थी, और हाँ, उनका नॉलेज भी, जिस कारण से वहाँ के वो असली कश्मीरी नॉलेज भी अच्छा खासा रखते थे, भले से ही उनकी मेजोरिटी कम ही क्यों ना हो, लेकिन उनका एक वहाँ पर अच्छा खासा स्टैंड था, जो चीज वहाँ के लोगों यानी के देश में ही रहकर सरहद पार से ट्रेनिंग लेकर आए हुए जिहादी कमर मिलिटेंट ज्यादा ने उठाया था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में उन सभी को जिहादी नाम से ही बुलाया जाता है, जबकि जिहादी वर्ड इस्लाम में इन आतंकवादियों की सोच से ही बहुत ज्यादा अलग है, जिसका टेररिस्ट और इंडियन मीडिया ने बिल्कुल ही मजाक बनाकर आपके सामने प्रेजेंट किया है, इसलिए आप उन्हें जिहादी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन मेरी नजर में वो एक मिलिटेंट है और एक पक्के आतंकवादी भी, जिन्हें अगर खुद का कश्मीर बचाना है तो मुझे लगता है उन्हें ये लड़ाई इंडियन आर्मी के साथ मिलकर लड़नी चाहिए, ना कि उनके अगेंस्ट। लेकिन उनकी सोच और उनकी बुद्धि इस तरीके से ब्रेन वॉश की गई है कि वहाँ से रिटर्न आना उन सभी का नामुमकिन है, इसलिए मेरी नजर में तो वो एक गधे और बेवकूफ रहेंगे ही, जो एक ऐसी लड़ाई में फिस रहे हैं जिसका कोई भी अंत नहीं है। और जिस वक्त यानी कि 90s के दौर में जो राजनीति में उछाल आया था, उसे लेकर फिल्म के डायरेक्टर की सोच आज के इंटरव्यू के हिसाब से उनका दोगलापन भी दिखाकर हमारे सामने रखती है, जिसमें कहीं इंटरव्यू में उनका कहना यही है कि आज की तारीख में ज्यादातर तो बॉलीवुड की फिल्मों में विलन्स पॉलिटिशियन को ही दिखाया जाता है, लेकिन जब
जब बात उनकी फिल्म की आती है तो रिजल्ट हमारे सामने किस तरीके का निकल कर आया है वो बात आपको फिल्म देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। क्योंकि ले देकर असली विलेन कह लो या फिर जड़, सियासतदान ही होती है, यानी कि पॉलिटिशियन जो अपने वोट के चक्कर में सभी को मरवाते हैं। और यही चीज उस टाइम पर भी हुई थी जिसे उस टाइम की सरकार ने बहुत ही गलत तरीके से यूज किया था, और इसका फायदा पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान ने भी उस टाइम पर बहुत ही अच्छी तरीके से उठाया था, जिसकी अनफॉर्चुनेट जो डिटेल मुझे फिल्म में चाहिए थी वो पूरी तरीके से मिसिंग है। यानी कि इस फिल्म की कहानी हमें पूरी के पूरी डिटेल बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर रही कि उन गधों को किस तरीके से बेमतलब की इस जंग के लिए प्रिपेयर किया गया, पॉलिटिशियन ने किस तरीके की राजनीति की, उन सभी आतंकवादियों के पास हथियार कहां से आया और कैसे छुपकर उन सबकी मीटिंग होती थी जिसके बाद उसे सारे शहर में लागू भी किया जाता था। इन सारी की सारी डिटेलों को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है। बस फिल्म में दिखाया गया है वो मिलिटेंट्स के लोग हैं जो आते के साथ में ही गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें आजादी चाहिए, और आजाद होकर वो लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान के साथ जाकर मिलेंगे जो देश खुद के ही बलूचिस्तान के मसले को नहीं सुलझा पाता। और उस टाइम पर लोगों को यही लगता था कि कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेगा और इंडिया से अलग कर वो उसे अपने साथ मिला लेगा, लेकिन उनके लिए एक बात बिल्कुल साफ रहेगी कि कश्मीर भारत के अंग का हिस्सा था और हमेशा इसी का रहेगा। बस जरूरत है तो इस पर बैठकर मसले को हल करने की, जो कि अगेन एक इम्पॉसिबल चीज है क्योंकि मिलिटेंट्स यानी कि वहां के आतंकवादी ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उनका दाना पानी ही उठ जाएगा क्योंकि उस टाइम पर उन्हें जो पैसे फंडिंग के तौर पर पाकिस्तान से आ रहे थे उसकी राशि ऑलमोस्ट 3 मिलियन की थी, वो भी हर महीने की। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतने बड़े अमाउंट को लेकर वहां के आतंकवादी किस तरीके की जंग लड़ रहे थे, और अगर कोई भी उनके खिलाफ बोलता तो बदले में उन्हें मिलती थी गोलियां। यानी कि जो चाहकर भी वहां के असली कश्मीरी यानी कि कश्मीरी पंडितों का सपोर्ट करना चाहते थे वो नहीं कर पाते। लेकिन फिल्म में उस एंगल को बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखाकर ये बता दिया गया है कि सारी की सारी मेजोरिटी ही कश्मीरी पंडित के खिलाफ थी। खैर, लेकिन ये पूरा का पूरा एक अलग ही टॉपिक है जिस पर, जैसे कि मैंने कहा, फिल्म के क्रिएटर बहुत ही अच्छी डिटेलिंग से एक अच्छे खासे कंटेंट की फिल्म बना सकते थे, लेकिन डायरेक्टर ने यहाँ पर जेनोसाइड का ही रास्ता चुना क्योंकि इससे ऑडियंस ट्रिगर होती है, इसलिए डिटेलिंग में किसे भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि दर्द और पीड़ा का फंडा क्रिएटर्स के पास पहले से ही हिस्ट्री की किताब में दर्ज मौजूद था, और नो डाउट उसमें ये फिल्म 10/10 तो ले जाती है। लेकिन उन सब चीजों को भी दिखाने की एक लिमिट होनी चाहिए थी, या फिर डायरेक्टर अपनी एक सोच बनाकर रखते कि उन्हें फिल्म की प्रेजेंटेशन 3 टाइमलाइन को दिखाकर करनी है या फिर उसी 90s के दौर पर फोकस रखकर। लेकिन जो लोग उन्हें गट्सी डायरेक्टर कह रहे हैं उनमें इतना भी गट्स नहीं कि वो इस स्टोरी को पूरी तरीके से रियल बताकर हमारे सामने प्रेजेंट करे, क्योंकि उनकी कंफ्यूजन हमें फिल्म के विलन में ही नजर आती है जिसे लेकर उनकी सफाई यासिन मलिक और बिट्टा कराटे में आकर पूरी तरीके से उलझ गई है कि असल में स्क्रीन पर दोनों को दिखाना चाहते थे या फिर एक को ही, क्योंकि ये मुद्दा किसी एक का नहीं बल्कि सभी से जुड़ा हुआ है, तो सभी को दिखाना एक ब्रूटल ऑनेस्टी होती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म का पूरा फोकस कश्मीरी पंडित के जेनोसाइड्स पर रहता है, और हाँ, आज की नस्ल को दिए गए काफी बेकार से लेसन पर भी, जिसकी एंड की स्पीच मुझे पसंद आई है। लेकिन जिस तरीके से फिल्म में प्रेजेंट की टाइमलाइन की जो भी टाइमलाइन हमें प्रेजेंट की गई है, खास करके उस कॉलेज के एंगल से जिस पर बस फिल्म के डायरेक्टर ने अपने सिक्के का एक ही पहलू दिखाकर हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया है और यही कहा है कि सिक्के का बस एक ही साइड है और तुम इसी से सेटिस्फाई हो जाओ, लेकिन जहां पर उनकी डिटेल 90s के उस दौर में आती है यानी कि जेनोसाइड पर, तो वही सारे के सारे फिल्म के एलिमेंट्स आपको बहुत ही ज्यादा हार्ट हिटिंग लगते हैं, और फिल्म में वही सारी की सारी चीजें ऑडियंस को ग्रिप करके सीट पर बिठाने में भी कामयाब होती है। लेकिन बाकी दूसरी चीजें यानी कि वो कॉलेज के एंगल के अलावा कृष्णा की कश्मीर की भी जो जर्नी दिखाई गई है, जहां पर हम कृष्णा के ग्रैंडफादर यानी कि पुष्कर के सारे पुराने दोस्तों को देखते हैं, तो वो कन्वर्जेशन भी बहुत ज्यादा फीकी है क्योंकि अगेन डायरेक्टर को अपना मैसेज बस हमें दिखाकर उनकी खुद की साइड प्रेजेंट करनी है। और बाकी जिस तरीके की एंडिंग हमें इस फिल्म में प्रोवाइड की गई है वो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा ट्रिगर करती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एंडिंग फिल्म की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि कुछ दूसरे एंगल भी फिल्म में अगर डाले जाते, खास करके कश्मीरी पंडित के स्ट्रगल के बाद सर्वाइव वाले सारे के सारे एलिमेंट, तो उस पर कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलती। लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा, डायरेक्टर ने अपना मोटिव लोगों को ट्रिगर करने का ही रखा था, तो वो फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क भी कर गया है। जिन बातों से निकलकर अब सीधे आते हैं सभी के सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर, जिनमें सबसे पहला नाम पल्लवी जोशी के कैरेक्टर का निकल कर आएगा क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस मुझे फिल्म में बहुत ज्यादा पसंद आई है। उसके बाद दूसरा नाम कृष्णा की माँ के कैरेक्टर का है, जिन्होंने इस रोल को किया नहीं बल्कि जिया है। और फिर तीसरा नाम आता है अनुपम खेर के कैरेक्टर का, क्योंकि उनकी कुछ कुछ परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बिलीवेबल है कि हम उनके कैरेक्टर से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन जो कन्वर्जेशन उनके कैरेक्टर और दर्शन कुमार के बीच दिखाई गई है, उसमें कहीं कहीं वो थोड़े से ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बाकी मामले में वो जब भी स्क्रीन पर नजर आए हैं तो वो स्क्रीन स्टीलर ही साबित हुए हैं कि वो इतने मंझे हुए एक्टर
एमसीयू है। और फिर आ जाए फिल्म के विलन चिन्मय मांडलकर पर, तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ठीक बाकी दूसरे सभी एक्टर्स की तरह जो अपने रोल को स्क्रीन पर अच्छा ही प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी ने इस फिल्म में काम करने के पैसे लिए है, ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि फिल्म के डायरेक्टर ने भी फिल्म को बनाने के लिए पैसे लिए है, इसलिए फिल्म को फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। और मैंने भी फिल्म को फिल्म के हिसाब से ही देखा है। जिसके बाद आ जाए फिल्म के डायरेक्शन पर, तो नो डाउट फिल्म के डायरेक्टर जन्नत के कश्मीर के साथ साथ उसके डर को प्रेजेंट करने में भी पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं, जहां पर जाने से मैं आज भी डरता हूं। यानी कि उनका डायरेक्शन फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। और वैसी ही ऑनेस्टी हमें फिल्म के बीजीएम के साथ भी नजर आती है, जिसका एक्सपीरियंस आप फिल्म देखते वक्त ले सकते हो। इसके अलावा फिल्म के कलर का टोन एक ही रखा गया है, जिसमें ज्यादा वेरिएशन थे ही नहीं। बाकी रही बात फिल्म की फोटो और सिनेमेटोग्राफी की, वो भी ठीक ही है, कुछ इतनी ज्यादा खास नहीं। और अब बात करें फिल्म की एडिटिंग की, तो यहाँ पर फिल्म की एडिटिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ की गई है, क्योंकि कहानी ही कुछ वैसी थी कि एडिटर के पास भी ऑप्शन फिल्म को इस तरीके से एडिट करने के अलावा दूसरा कोई बचा ही नहीं होगा। क्योंकि अगेन ये फिल्म अपनी तीन टाइमलाइन में इतनी ज्यादा कंफ्यूज थी कि स्क्रीन पर हमें जो चीज देखने मिलनी चाहिए थी, यानी कि 90s का दौर, उसे ये फिल्म ज्यादा बिल्कुल भी नहीं छूती, क्योंकि फिल्म का पूरा फोकस आज के यूथ को लेक्चर देना था, खास करके ANU में पढ़ा रहे उनके पेरेंट्स को। जिनसे हटकर अब आते हैं फिल्म की रेटिंग पर, जो कि देनी बनती भी है। तो फिल्म के एक्शन के लिए अगेन इसकी ऑनेस्टी और रियलिटी के हिसाब से 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग बनती है, जो कम थे लेकिन बहुत बहुत ज्यादा ब्रूटल। बाकी कॉमेडी के लिए तो 0 ही डिजर्व करते हैं, जो इस फिल्म में है नहीं। इसके अलावा बात करें फिल्म के ड्रामा की, तो फिल्म पास्ट और प्रेजेंट के हिसाब से 2 तरीके की फिल्म लगती है, जिसमें अगर प्रेजेंट को देखा जाए तो उसके लिए स्टार 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार के ही बनेंगे, और पास्ट की टाइमलाइन के लिए पूरे 5 में से 5 स्टार, क्योंकि पास्ट में जो हमें असली कश्मीर यानी के कश्मीरी पंडितों का ट्रुथ हमें फिल्म में दिखाया गया है, जिसे लेकर कई लोग यही कहते हैं कि इस सच को उनसे छुपाया गया था, जबकि असलियत यही है कि इस सच की पूरी की पूरी इन्फो पढ़ने के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल है, जिस पर अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको ये डिटेल फिल्म के क्रिएटर की तरह ही मिल जाएगी। लेकिन मेहनत कोई करना नहीं चाहता, उन्हें थाली में परोस कर सारा का सारा सच देखना है, जो कि फिल्म के क्रिएटर ने अपनी सोच के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया है। जिनसे हटकर अब आ जाते हैं सीधे सस्पेंस पर, तो सस्पेंस के लिए ये फिल्म 5 में से 1.5 स्टार डिजर्व करती है। जिसके बाद बात करें फिल्म के हॉरर यानी कि ब्रूटेलिटी और थ्रिल की, तो उसके लिए ये फिल्म 5 में से 3 स्टार डिजर्व करती है। जिनमें बात करें मास ऑडियंस की, तो ट्रेंड के हिसाब से मास ऑडियंस भी इस फिल्म को थिएटर में देखने जाएगी और नहीं ये टॉपिक पसंद आएगा, लेकिन बाकी जो मास ऑडियंस होती है वह ऐसी फिल्म में बैठकर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेगी, क्योंकि उन्हें हीरो आज भी स्क्रीन पर उड़ता हुआ बहुत ज्यादा पसंद है, और हाँ अकेले ही 10-10 गुंडों को मारता हुआ, जिस कारण से उन ऑडियंस की नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनेगी सी की। लेकिन दूसरी ऑडियंस यानी कि मास की कैटेगरी में ट्रेंड को फॉलो करती हुई ऑडियंस की नजर में ये फिल्म A+ की कैटेगरी डिजर्व करती है, जिनमें क्रिटिक्स की भी राय इसी A+ की कैटेगरी की ही है, जिसमें मेरी रेटिंग मैं इसके सच को देने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन डायरेक्टर की जो प्रेजेंट थी उस सच्चाई को छोड़ उनकी सोच को दिखाने की, उस हिसाब से ये फिल्म B- की रेटिंग डिजर्व करती है। यानी कि अगर आपको सच्चाई देखनी है कश्मीरी पंडितों की, तो उसमें ये फिल्म हाँ आपको ब्रूटल ऑनेस्टी प्रेजेंट करती है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। और उस कारण से मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको ये फिल्म थिएटर में ही जाकर देखनी चाहिए, कि असल में वो दर्द और पीड़ा उस टाइम पर कश्मीरी पंडितों पर किस तरीके से बीती थी, जो इस्लाम के मानने वाले ऐसे जाहिलों की तरफ से किया गया था जिन्हें असल मायने में इस्लाम पता ही नहीं है। तो ऐसे गधों के लिए तो कोई माफी नहीं है, और जो उन्होंने किया वो एक हकीकत है, और ये फिल्म हमें उसे ऑनेस्टी के साथ उस मामले में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि सच को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता, जिसका एहसास वहाँ के कश्मीरियों को असली कश्मीरी पंडितों के कश्मीर छोड़ने के बाद चला था, क्योंकि शीशे के घर में बैठकर कौन कब तक सेफ रह सकता है, इसलिए उन जाहिल मिलिटेंट्स ने उन कश्मीरियों पर भी पत्थर बरसाना शुरू कर दिया था, जिसकी बाकी की कहानी आपको पता है। इसलिए अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि मेरा ओपिनियन मैंने आपके सामने रख दिया है पूरी ऑनेस्टी के साथ, और अब इसे भी लेकर आपकी राय आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाकी रही बात गाली की, तो वो तो मुझे पड़ती ही रहती है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब मैं हूँ अजीज शेख, नाम याद रखिएगा, मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। बाकी आप देख रहे थे मूवी स्टॉक, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और टिल देन बाय।